नाम इनके सबके अलग अलग हैं, लेकिन इनके पीछे विचारधारा, इनके संरक्षक जो हैं, इनकी फंडिंग करने वाले, इनकी ट्रेनिंग है, वो सारे जो है वो लगभग लगभग एक ही हैं। और अफगानिस्तान की पॉपुलेशन कितनी है? 3.5 से 4 करोड़ के बीच में जनसंख्या है उसकी। तो यदि मास की उनको सपोर्ट ना होती तो क्या तालिबान वहां पर रुक सकता था? कि आने वाले समय में भी दुर्भाग्यवश ऐसी घटनाएं वहां पर होती रहेंगी, और जिन लोगों ने इनको तैयार किया है, जिन्होंने इनको फंडिंग किया है, उनके लिए ये फ्रैंकेनस्टीन मॉन्स्टर है। और उनमें सबसे आगे कोई नाम आ रहा है तो देश है पाकिस्तान। तो अभी आने वाले समय में यदि तालिबान को चैलेंज करवाना है नॉर्दर्न अलायंस के माध्यम से, तो इसमें ताजिकिस्तान की भूमिका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगी। रशिया का एक एजेंडा बड़ा क्लियर है कि रशिया को एक नॉर्थ साउथ कॉरिडोर चाहिए। ये सबसे बड़ा खतरा इस समय दुनिया को इस बात से है कि पाकिस्तान कहीं, पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर आर्मामेंट्स है वो किसी ना किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में नहीं पड़ने चाहिए। इन्होंने 1947 में अफरीदी ट्राइब वहां पर आया पाकिस्तानी सेना के साथ में, तो किसी कश्मीरी ने उनका साथ नहीं दिया मुसलमान होने के बावजूद भी, तो उन्होंने भारतीय सेना का साथ दिया कश्मीर में। 1965 में भी वो ऑपरेशन जिब्राल्टर फेल होने का कारण ही यही था कि इन्होंने वहां से कबायली वहां पर भेजे कश्मीर के अंदर, और कश्मीरी जनता ने उनके ही मजहब के होने के बावजूद भी उनको पकड़वा दिया। जी सर, जी सर, काबुल में जो हुआ, हाँ जी, ब्लास्ट जो हुआ, अमेरिकन के इतने बड़े, इतने कई सैनिक मारे गए वहां पर जी, इस के पीछे नाम जो आ रहा है वो इस्लामिक स्टेट खोरासान प्रोविंस का आ रहा है, एसकेपी का आ रहा है, क्या लगता है कि ये तालिबान का ही एक ऑफशूट है, उसी के साथ मिलकर काम कर रहा है, उससे अलग है, कौन है इसके पीछे? जी, मैंने जैसे पहले बताया आपको कि जो IS है, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक इन सीरिया के नाम से ही है, जब अलकायदा के ऊपर नेटो का बहुत ज़्यादा प्रेशर आना शुरू हुआ उसके बाद में ये बनी थी, और ISIS बनी, ISIL बनी, वो था इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड लेवेंट। अब ये लेटेस्ट जो बना, इनका जो स्वरूप आया वो आया है इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया खुरासान। अब खुरासान का जो इलाका है, ये टर्म आनी शुरू हुई थी लगभग मिडिवल पीरियड्स में, और वो ईरान का कुछ इलाका उसमें अफगानिस्तान का, और ऊपर के जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक है, तुर्कमेनिस्तान और अपना उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, ये सब इलाकों को मिलाकर के खुरासान का एक टर्म सामने आता था। तो अब ये जो बना है ये, लेकिन ये नाम इनके सबके अलग अलग हैं, लेकिन इनके पीछे विचारधारा, इनके संरक्षक जो हैं, इनकी फंडिंग करने वाले, इनकी ट्रेनिंग है, वो सारे जो है वो लगभग लगभग एक ही हैं। टेररिज्म को समझने के लिए पहले एक बात मैं आपको बताता हूँ, एक बात समझनी पड़ेगी कि इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। जो टेररिज्म का स्ट्रक्चर है, पिरामिडिक स्ट्रक्चर होता है, जो पिरामिड का टॉप पे रहता है उसमें एक विचार रहता है, वो रिलीजियस विचार है कि कौन से रिलीजियस बुक्स को ये लोग रेफर करते हैं जो इनका आधार है। अब इस्लामिक टेररिज्म की जब हम बात करते हैं तो उसमें इनके जो धर्म ग्रंथ हैं वो आ गए, उनमें शरीयत आ गई, उसमें हदीस की चीज़ें आ गई, तो ये सबसे ऊपर टॉप के ऊपर वो बात रहती है। उसके बाद में नीचे जो पिरामिड में हम आ जाते हैं तो आइडियोलॉजीज आ जाती हैं। अब उन आइडियोलॉजी में कुछ कट्टरपंथी हैं, कुछ आइडियोलॉजी ऐसी हैं जो मध्यम मार्गी हैं। कट्टरपंथियों में भी जैसे सलाफी है, उसमें वहाबी है, देवबंदी है, ये थोड़ा कट्टरपंथी है, और थोड़ी सी जो उसमें सहिष्णु है, जैसे कहीं कहीं हनाफी आ जाती है, कहीं हमारी बरेलवी आ जाती है जो सूफीज्म में ज्यादा विचार करती है। तो स्वाभाविक है कि जब टेररिज्म की बात आएगी तो कट्टरपंथ जो आइडियोलॉजी है वही आगे आएंगी। अलकायदा के पीछे जो था वो वहाबी आइडियोलॉजी थी। अच्छा, उसके बाद अब हम नीचे आ जाते हैं तो फिर उसमें आउटफिट्स आ जाते हैं। अब ये प्रश्न आता है कि जो ISIS के है या ISIL है, या अभी इसमें से 10-15 नाम विश्व में मेन चल रहे हैं। अब जैसे अलकायदा था, अफ्रीका में बोको हराम था, उसके बाद में ISIS है, ISIL है, ISIS-K है, फिर पाकिस्तान के जैश-ए-मोहम्मद है, लश्कर-ए-तैयबा है, उसके बाद में
भारत में भी जो केवल भारत में आतंकवाद की घटनाएं करने के लिए बनाई गई थी इंडियन मुजाहिदीन, तो ये एक उदाहरण है। लेकिन इन सब के पीछे आइडियोलॉजी जो है वो लगभग लगभग सेम है। अब आउटसाइड्स के बाद में आता है इसी पिरामिड सपोर्ट सिस्टम। सपोर्ट सिस्टम में ये बात आ जाती है जाकर के कि इनको ये लोग तो ह्यूमन रिसोर्सिस प्रोवाइड करते हैं, इनको ट्रेनिंग, इनकी फंडिंग, इनकी वेपनाइजिंग, ये सारी बातें कौन करता है। तो ये सारे करने वाले लोग हैं वो पिरामिड का एक हिस्सा है। उसके नीचे फिर आ जाता है स्टेट का रोल। अब बहुत सी स्टेट्स ऐसी हैं जो इनको सपोर्ट करती हैं। अभी मान लीजिए पाकिस्तान है, वो स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म है। इसी प्रकार से मैं उदाहरण देता हूँ आपको कि सीरिया में बहुत जबरदस्त इस वक्त जो है वो आंतरिक गृह युद्ध चल रहा है। वहां पर टर्की जो है वो बशर अल असद की सरकार के विरोध में जो वहां पर लोग हैं उनको वहां पर सपोर्ट कर रहा है। और इसी तरह से लिबिया में जो चल रहा है वहां पर आंतरिक गृह युद्ध चल रहा है, वहां पर वो सरकार के पक्ष में टर्की जो है उनको वहां पर सपोर्ट कर रहा है। तो इस तरह से ये जो स्टेट स्पॉन्सर्स हैं इनके अपने अपने रोल रहते हैं। एक जगह के ऊपर मान लीजिए कि जैसे इनका रशिया का दागेस्तान और चेचनिया है, वहां पर जो टेररिज्म चलता है तो रशिया के विरोधी जो है उसको वहां पर सपोर्ट कर रहे हैं। इसी तरह से जो चाइना के अंदर सिनकियांग है, वहां पर वीगर लोगों के ऊपर चाइना ने बहुत बड़ा अत्याचार करके रखा हुआ है, तो स्वाभाविक है कि वहां पर भी कुछ ना कुछ वो चलता है, आतंकवाद की घटनाएं चल रही हैं। जो वीगर आर्मी है उसको सपोर्ट जो कर रहा है वो भी चाइना के जो शत्रु है उनको वहां पर वो सपोर्ट कर रहे हैं। इसी तरह से रोहिंग्या सालवेशन आर्मी है, ये रोहिंग्या सालवेशन आर्मी म्यांमार में क्या कर रही थी कि इन्होंने वहां पर, अब देखो बड़े कितनी एक विचित्र बात है कि दुनिया में आज से 2500 साल पहले जब हिंसा बहुत अधिक चल रही थी, छोटे छोटे राज्य भी आपस में लड़ा करते थे, हिंसा करते थे, तो उसके सामने एक बहुत ही बढ़िया मानवीय विचारधारा ने जन्म लिया, वो थी बौद्ध विचारधारा, जिसने जिसका पूरा एक आधार जो है, जिसका जो पूरा जेनेसिस जो है बौद्ध का, वो अहिंसा है। कि हिंसा जो है वो मानवीय गुण नहीं है, तो हमको अहिंसा के आधार के ऊपर उन्होंने ये विचारधारा बनी थी। और वही विचारधारा जब वहां पर बौद्ध लोगों ने देखा कि अगर इसी के ऊपर चलते रहेंगे तो समाप्त हो जाएंगे, तो उन्होंने फिर वहां पर रोहिंग्या सेल्वेशन, जो अराकान रोहिंग्या सेल्वेशन आर्मी है, उसके विरोध में उन्होंने वहां पर एक्शन लेना शुरू किया और परिणाम सबके सामने है। तो ये सारी बातें जो है ना, ये एक ही मूल रूप में विचारधारा है जिसके अलग अलग मैनिफेस्टेशन अलग अलग जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के रूप में आते हैं। अब जो मैंने पिरामिड का जिक्र किया था, उसका जो सबसे नीचे का आधार है वो मास बेस है। अब ये मास जो है ये होता है जो इन विचारधाराओं को पुष्पित और पल्लवित करता है। वो कैसे करता है, आप एक बात देखिए कि कश्मीर में जब वहां से हिंदुओं का पलायन हुआ और बहुत जबरदस्त वहां पर उनके ऊपर अत्याचार हुए, नारियों को के साथ में वहां पर जो है वो बलात्कार हुए, वो खुलेआम मस्जिदों के ऊपर तो ऐसा उन्होंने खुलेआम घोषणा कर रहे थे कि हिंदुओं तुम लोग यहाँ से चले जाओ और अपनी जो तुम्हारी ये लड़कियां हैं और औरतें हैं इनको हमारे लिए पीछे छोड़ दो। तो जब ये सब हो रहा था तो जो मास था, जो मुस्लिम मास था, उसने इसको क्रिटिसाइज नहीं किया ज्यादा करके लोगों ने। कारण क्या है कि ये एक जो सबसे नीचे का जो आधार रहता है ये आतंकवाद का, वो बड़ा कन्वीनियंट होता है। वो वैसे तो लिबरल होता है, वैसे तो वैचारिक रूप से वो लोकतांत्रिक भी होता है, लेकिन जब उनको उन्होंने ऊपर के जो पिरामिड के लोग हैं उनको खुला छोड़ के रखा हुआ है कि आप जो मर्जी करते जाइए, टेसिट सपोर्ट इनकी उनको रहती है। जब जब तक मास की सपोर्ट ना हो, आप देखिए अभी आपको आपके सामने हम अफगानिस्तान की चर्चा कर रहे थे, ये तालिबान कितने हैं, 50-60-70 हजार होंगे, और अफगानिस्तान की पॉपुलेशन कितनी है, 3.5 से 4 करोड़ के बीच में जनसंख्या है उसकी। तो यदि मास की उनको सपोर्ट ना होती तो क्या तालिबान वहां पर रुक सकता था, या बाकी के भी जिन देशों के अंदर आतंकवाद या यहाँ पर गृह युद्ध चल रहा है वहां पर मास की सपोर्ट रहती है। तो मास सपोर्ट के बिना ये लोग नहीं चल सकते। तो
बात आई अभी जो वहां पर ब्लास्ट हुआ है, वो ब्लास्ट जो आईएसआईएस जो खुरासान ने करवाया है, तो इनके भी कर्ता धर्ता, इनको भी सपोर्ट देने वाले वही हैं जो तालिबान को सपोर्ट वहां देते हैं और जो टीटीपी को सपोर्ट वहां पर देते हैं, क्योंकि वैचारिक रूप से ये वही है। और ये क्या होता है, आतंकवाद इतना अमॉर्फस है कि उनको जो है, अभी जब वहां पर देखिए 100 से ऊपर लोग मर गए, 13 अमेरिकन मरीन कमांडो उसमें थे, और बाकी के लोग तो अभी इतना तो मालूम ही नहीं है कि कौन कौन कहाँ से थे, उसमें लोकल लोग भी थे, हो सकता है तालिबान ने भी क्लेम किया है हमारे भी 10-20 लोग उनमें से थे, तो उनको तो आतंक मचाना है, और मरने वाला कौन है उसके बारे में उन्होंने इतना ज्यादा उन्होंने पिन पॉइंट अभी के इस संदर्भ में हम ये सोचे कि केवल नाटो के सैनिक ही उनके टारगेट पे थे, तो ऐसा नहीं है। तो जितने भी एयरपोर्ट के आसपास में लोग थे उनको मारा। इसी आधार को लेकर के मैं ये आगे का हाइपोथेसिस करता हूं कि आने वाले समय में भी दुर्भाग्यवश ऐसी घटनाएं वहां पर होती रहेंगी, और जिन लोगों ने इनको तैयार किया है, जिन्होंने इनको फंडिंग किया है, उनके लिए ये फ्रैंकेनस्टीन मॉन्स्टर है, और उनमें सबसे आगे कोई नाम आ रहा है तो देश है पाकिस्तान। जी, अफगानिस्तान के भविष्य की जब बात होती है तो अफगानिस्तान को लेकर हमेशा उसकी हिस्ट्री को बार बार सामने रखा जाता है कि वो अलग अलग एम्पायर्स का एक क्या बोलेगे एक उनकी कब्रगाह है, इस तरह के तर्क दिए जाते हैं। आप अफगानिस्तान की हिस्ट्री को समझते हुए क्या कहेंगे कि अफगानिस्तान का आने वाला भविष्य क्या हो सकता है, मतलब एक समझ के लिए, बाकी आगे क्या होगा वो कहना मुश्किल है, लेकिन हिस्ट्री को समझते हुए कैसे कहेंगे आप? बड़ा इंटरेस्टिंग बात है जी कि अफगानिस्तान की हिस्ट्री जो है, भारत का जो उत्तरी पश्चिम क्षेत्र था वो गांधार था, और गांधार क्षेत्र में ही कपिसा भी, जहाँ पर जो कनिष्क की राजधानी रही, और वहाँ पर भी जब पहले बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने बताया कि आपस में राजे युद्ध करते रहते थे, तो बौद्ध जो है पूरा सेंट्रल एशिया में बौद्ध धर्म का विकास इसीलिए हुआ कि हिंसा का विरोध किया जाए, हिंसा का विरोध करने के लिए, ताकि जो है मनुष्य जीवन बड़ा शांति से अपना जीवन यापन करे, तो उसका विरोध जो था वो उसका जो जवाब था वो बौद्ध जो धर्म था। तो पूरा क्षेत्र जो था ये बुद्ध में आ गया, इसीलिए अभी देखिए कि जो मजार शरीफ के पास में इलाका है जहाँ बामियान बुद्धा था, तो 2000 साल पुरानी मूर्तियां हैं जो तालिबान ने 1996 से 2001 के बीच में इनका जब वहां पर शासन रहा उस समय इन्होंने तोपों से उसको उड़ा दिया, जितने भी बाकी भी उस वक्त के पुराने प्राचीन अवशेष थे सब इन्होंने वहां पर तोड़े। तो ये एक बेल्ट थी उस समय जो, जिसको आप एक प्रकार का वैदिक बेल्ट भी कहा जा सकता है, जिसमें ईरान का पूरा क्षेत्र था, गांधार का पूरा क्षेत्र था, और ये ऊपर हिमालय हिंदू कुश से लेकर के साथ में हिमालय की जो पूरी पर्वत श्रृंखला चलती थी वहां पर एक ये बेल्ट चलती थी। अब उसमें जो इस्लाम का जब उदय होता है तो सबसे कम से 200-300 साल तक अफगानिस्तान में इस्लाम का वहां पर विरोध किया। 7वीं शताब्दी में लगभग 15-20 साल के अंदर अंदर ईरान का पूरा धर्म परिवर्तन हो चुका था, क्योंकि ये जो ससानित थे और बाइजेंटीन थे, जो बाइजेंटीन है जो ग्रीको रोमन फोर्सेस थी, और इधर ईरान वाले जो थे पर्शिया वाले जो थे ये ससानित थे, ये आपस में लड़ते लड़ते इतना थक गए थे कि जब रशीदुन खिलाफत वहाँ पर इस्लाम की बनी मोहम्मद पैगंबर के बाद में, जिसमें अबू बकर और उसके बाद में उस्मान उमर और अपने अली, इनके समय में वहाँ पर एक इन्होंने सपा सलार उनका था खालिद बिन वालिद, तो खालिद बिन वालिद ने जब इन इलाकों के ऊपर आक्रमण करना शुरू किया, तो उसके बाद में उसका रिजल्ट ये होना शुरू हुआ कि लगभग लगभग ईरान 20-25 साल के अंदर अंदर 7वीं शताब्दी में ही उसका धर्म परिवर्तन होना शुरू हो गया था। अब ईरान के प्रभुत्व में जो क्षेत्र आते थे वहां इस्लाम का जाना लगभग स्वाभाविक था, तो ये जो गांधार का जो क्षेत्र था और इसके ऊपर जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक थे उस समय, तो वहां तक इस्लाम का प्रभाव गया, लेकिन जो हिंदू शाही राज था वहां पर, जो आज का अफगानिस्तान है, वो आज का अफगानिस्तान तो ड्यूरन लाइन ने बांट दिया, पख्तून इलाके कुछ अफगानिस्तान में है कुछ पाकिस्तान में, लेकिन उस समय ये पूरा इलाका जो था स्वात घाटी से ऊपर तक जो है ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र था वो एक ही जो है अपना गंधार प्रांत का
हिस्सा हुआ करता था। तो उस समय उन्होंने वहां पे इतना जबरदस्त प्रतिरोध हुआ कि 200-300 साल तक जो तुर्क सेंट्रल एशिया से जो कन्वर्ट हो चुके थे उन्होंने आकर के यहाँ पर प्रयास किया। उत्तरी अफगानिस्तान उसका जो है धर्म परिवर्तन हो चुका था, लेकिन दक्षिणी अफगानिस्तान और पूर्वी अफगानिस्तान, दक्षिणी मतलब जिसमें यह पूरा क्षेत्र है कंधार का और आगे जाकर जलालाबाद तक पूर्व का जो क्षेत्र था, यहां तक वहां पर उनका कन्वर्शन नहीं हुआ था। वहां हिंदू पदपाशाही चलती थी। वो जब गजनवी वहां पर यहाँ पर जो तुर्क वंश का इसका प्रभाव बड़ा, सुबुक्तगिन वहां पे ट्राइब था इसका, इसके पिताजी का नाम, और उसने गजनवी ने जब उसको राजा जयपाल को सन 1002 में हराया तब ये दुर्ग जो है वो ध्वस्त हुआ, और वहां से उसके बाद में उसने भारत के ऊपर आक्रमण करने शुरू किए गजनवी ने खैबर को पास करके। तो लगभग 200-300 साल का प्रतिरोध करने के बाद में जाकर के अफगानिस्तान जो है ये पूरे का पूरा इसका धर्मांतरण हो सका। अब उसके बाद में क्या होना शुरू हुआ कि जितने भी तुर्क आते थे भारत के ऊपर आक्रमण करने के लिए, वो तो उनकी जनसंख्या, वो तो साथ में लेकर आते थे सेना 5,000, 7,000, 10,000 की। उनकी सेना के जो लश्कर बना करते थे वो लश्कर बना करते थे अफगानिस्तान के अंदर, और उसमें जो जिहाद का इनका डॉक्ट्रिन है वो बहुत ज्यादा कारगर सिद्ध हुआ। क्योंकि एक बात पकड़ के चलिए कि जब आप किसी किसी का भी ये मानवीय जो है ये गुण है कि किसी को जब हम उसके ऊपर उसको मारते हैं तो या उसके ऊपर अत्याचार करते हैं तो अंदर से आत्मा जो है जरूर कहती है कि नहीं ये गलत काम कर रहे हो, लेकिन जब वो जिहाद का ये था कि जो तुम्हारे धर्म का नहीं है, तो तुम्हारे मजहब का नहीं है, वो काफिर है, और काफिर को मारना या काफिर के ऊपर जीत हासिल करना स्वभाव का काम है, वो पुण्य का काम है, जीतोगे तो तुम गाजी कहलाओगे और मरोगे तो तुम शहीद हो जाओगे और जाकर के तुम्हें जन्नत जो नसीब होगी। तो ये एक सिद्धांत का प्रतिपादन जो था वो इनके अफगानियों के ऊपर बहुत ज्यादा काम आया। इन्होंने जब लश्कर बने वहां से तुर्कों के, और बाद में जब मंगोल सेना तुर्कों के ऊपर हमला करके बहुत ज्यादा उन्होंने जीत हासिल की थी, तो उनकी तुर्क जो मंगोल थे उनकी और तुर्कों की जो मिक्स शादियां हुई थी उनमें से मुगल पैदा हुए। तो पहले जब तुर्क आने लगे यहाँ पर, कि जैसे गजनवी का मैंने नाम लिया, बाद में मोहम्मद गौरी था उसका वंश चला, तो ये सारी की सारी सेनाएं इनकी जो है वो वहां पर तैयार होती थी अफगानिस्तान के अंदर। तो मर्सनरी का काम तो पिछले 500-700-800 साल से ये अफगान कर रहे हैं कि दूसरों के बिहाफ के ऊपर लड़ना। आज आज के संदर्भ में भी जो जो बाकी के देश इनको मैनिपुलेट कर रहे हैं वो उसी परंपरा को ये लोग आगे लेकर जा रहे हैं। भारत में जब बाबर आया 1526 में पानीपत का पहला युद्ध हुआ, उस वक्त भी उसके सेना में तुर्क के साथ साथ ये पठान भी थे जिनको वो लेकर आया था। और यहाँ तक कि अकबर जब हुमायूं का देहांत होता है तो अकबर का जो संरक्षक था वो भी पठान था, और ये सिर्फ दो शासकों को छोड़कर के शेरशाह सूरी और इब्राहिम लोदी, बाकी सारे शासक या तो तुर्क रहे हैं उस समय जो 500 साल का भारत में इस्लामी राज रहा, या ये रहे हैं मुगल, और पठान उनके नीचे उनकी सेना में ही आया करते थे। तो मर्सनरीज का रोल इन्होंने बहुत साल वहां पर किया है। आज भी अगर इनको इनको मौका दिया गया था, जैसे मैंने पहले भी एक बार कहा था कि जब 1979 से लेकर के 1989 तक रशिया था, माना रशिया वहां पर आक्रमक था, ये रशिया ने लेकिन इनको सिविलाइज करने की वहां पर एक सिस्टम देने की कोशिश, एडमिनिस्ट्रेशन देने की, गवर्नेंस देने की उसने कोशिश की थी, तो चाहते तो रशिया चला गया था उसको बरकरार रखते। नजीबुल्ला सरकार थी उस वक्त, तो नजीबुल्ला इन्हीं का आदमी था, बाहर का तो आदमी था नहीं,
तो उसको कंटिन्यू करते, लेकिन इन्होंने उसको बिकॉज क्योंकि इन्होंने एक परंपरा बना के रखी है कि किसी भी सूरत में वायलेंस को छोड़ना नहीं है, और वो वायलेंस को ना छोड़ने के कारण से नजीबुल्लाह जब वहां पर 1989 से 1996 था कि इन्होंने उसको शासन नहीं करने दिया तालिबान वालों ने, अंततोगत्वा वही हुआ, उसको मारा इन्होंने और उसको चौराहे पे उसकी लाश को लटका दिया, और उसके बाद में 5 साल तक जितना बेड़ा गर्क कर सकते थे इन्होंने अफगानिस्तान का वहां पर बेड़ा गर्क किया, पूरी दुनिया में भी इन्होंने अलकायदा के लोगों को ट्रेन कर करके भेजा, 9/11 हुआ, फिर उसके बाद 20 साल तक अमेरिका बैठा हुआ वहां पर, उसने भी इनको पूरा सिस्टम पूरी गवर्नेंस देने की कोशिश की, सरकार आज तो इन्हीं लोगों की ना, हामिद करजई बाहर से इम्पोर्ट तो नहीं किया गया था, अब्दुल्ला अब्दुल्ला बाहर से तो नहीं लाया गया था, अशरफ गनी इन्हीं का आदमी है, तो ये सारी जो वहां पर तंत्र था वो बना था। हाँ, इनको समस्या होनी थी, स्वाभाविक है कि बाहर के लोग जो है नेटो वाले यहाँ क्यों थे, ये नेटो को बात की दोहा डायलॉग हुए थे, ये बात करते चले जाओ। आज अशरफ गनी की सरकार से भी इनको प्रसन्नता नहीं थी, वापस वहां पर इलेक्शन करके करते, लेकिन आज जो वहां पर इस समय अफरा तफरी फैली हुई है, जो केस फैला हुआ है, जो अनार्की है, वो अनार्की इन्होंने पिछले, इनका इतिहास इस चीज का गवाह है, जितना मर्जी आप उसको खंगाल के देख लीजिए, ये आने वाला समय जो इनका भविष्य है इनके इतिहास से देखकर के ही उसी उसकी भविष्यवाणी की जा सकती है। जी अफगानिस्तान में जैसे बताया कि आपने एक लोकल सपोर्ट तो है ही तालिबान को, लेकिन कुछ कुछ पॉकेट्स में अगर हम देखते हैं तो कुछ रेजिस्टेंस भी है, खासतौर पर पंजशीर वैली में अगर हम देखें, क्या ये होल्ड कर पाएगा तालिबान के खिलाफ ये जो रेजिस्टेंस है अलग अलग पॉकेट्स में? देखिए, उसकी पृष्ठभूमि मैं आपको बताता हूँ। पिछली दफा जब ये नॉर्दर्न अलायंस बना था तो उसको रशिया की सपोर्ट थी, क्योंकि रशिया वहां से बहुत ज्यादा बदनाम होकर के निकला था, और रशिया को इसका मन में मलाल था कि अब मैं यहाँ गया हूँ तो अभी दूसरी जो भी सरकार रहेगी उसको मैंने चैन से यहाँ रहने देना नहीं है। तो रशिया ने क्या किया था, और रशिया के जो उस वक्त अलग हुए जो रिपब्लिक्स थे, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजिकिस्तान, उस पर रशिया का बड़ा जबरदस्त प्रभाव पहले से था, आज भी है। तो रशिया ने उनके माध्यम से, क्योंकि वो ये सारे जो तीनों रिपब्लिक्स हैं ये अफगानिस्तान की नॉर्दर्न सीमा पे हैं, इनके माध्यम से उसने वहां पर सपोर्ट दे करके, आर्म्स बेच करके नॉर्दर्न अलायंस क्रिएट करवाया था। तो उसमें अहमद शाह मसूद, और जिसको पंजशीर वैली का शेर कहा जाता है, और दूसरा रशीद दोस्तम, ये नाम प्रमुख थे। अहमद शाह मसूद का तो सितंबर जब ये 9/11 हुआ से कुछ दिनों पहले कत्ल करवा दिया गया, सुनने में आता है कि उसमें ISI का, पाकिस्तान की ISI का बड़ा हाथ था। आज उसी अहमद शाह मसूद का बेटा अहमद मसूद ये पंजशीर वैली में बैठा हुआ है। अमरुल्ला सालेह जो अभी अब की सरकार में वाइस प्रेसिडेंट था, वो अभी अपने आप को अफगानिस्तान का प्रेसिडेंट उसने घोषणा की है, वो भी वहां पर पंजशीर वैली में बैठा हुआ है। लेकिन अब ये नॉर्दर्न अलायंस को जितनी पिछली बार मदद मिली थी, अब मदद मिलने की इसलिए आशंका नहीं है क्योंकि रशिया इस समय जो वहां पर ब्लॉक बना है तालिबान के साथ में, अब रशिया उस ब्लॉक का एक बहुत महत्वपूर्ण सदस्य है। अभी जो ब्लॉक बना है उसमें रशिया है, चाइना है, पाकिस्तान है, टर्की है, और किसी हद तक ईरान भी है। तो ये ब्लॉक के सामने रशिया जो है वो पंजशीर वैली में जो ताजिक विद्रोही हैं उनको सपोर्ट नहीं करेगा। हाँ, इसमें ताजिकिस्तान जो है इंडिविजुअली इनकी सपोर्ट उसके माध्यम से, ताजिकिस्तान के माध्यम से की जा सकती है, क्योंकि ताजिकिस्तान का जो पूरी भूगोल है उसका 45% हिस्सा जो है वो पामीर पर्वत श्रृंखला है, और ये पूरे पामीर पर्वत श्रृंखला के ऊपर चीन अपना दावा पेश करता है। चीन कितने समय से कह रहा है कि ये पामीर का जो इलाका है ये मेरा है। छोटा सा देश है ताजिकिस्तान, 90 लाख 95 लाख उसकी जनसंख्या है, चीन के सामने उसकी बिसात कोई नहीं है। तो इस वक्त जो इंटरनेशनल अलायंस है, जो इस समय इंटरनेशनल अलायंस बनेगा अफगानिस्तान में एंटी तालिबान का, वो अलायंस में अभी जो सामने देश नजर आ रहे हैं उन देशों में USA ऑब्वियसली सबसे आगे रहेगा, उसके साथ में जो नेटो कंट्रीज हैं वो है, भारत ने पहले से घोषणा कर दी है कि जो लोकतांत्रिक देश हैं हम उनके साथ में मिलकर के
चलेंगे। तो ऐसे में क्या होगा कि ताजिकिस्तान को अगर ये नवे इंटरनेशनल अलायंस से सपोर्ट मिल जाती है तो उसको एक बहुत बड़ा धाड़स बनेगा कि मैं चीन के सामने खड़ा रह सकता हूँ। तो अभी आने वाले समय में यदि तालिबान को चैलेंज करवाना है नॉर्थर्न अलायंस के माध्यम से, तो इसमें ताजिकिस्तान की भूमिका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। भारत का वैसे भी एक बेस वहां पर, हमारा सैन्य बेस है ताजिकिस्तान में, भारत के संबंध भी बहुत अच्छे हैं ताजिकिस्तान के साथ में, तो वो एक मुद्दा जो रहेगा। अब देखिए, जितनी भी इंसर्जेंसीज या काउंटर इंसर्जेंसीज होती हैं, उनको उनके तीन चीजें उनके लिए इंपॉर्टेंट होती है। सर्वाइवल उनका जो है वो तो उसमें आम आर्मामेंट्स उनको चाहिए, साथ में उनको पैसा चाहिए और कंटिन्यूस उनको लॉजिस्टिक सप्लाई चाहिए। तो इसके लिए अगर अमरुल्ला सालेह और अहमद मसूद को वहां पर पंचशील रैली में सपोर्ट मिल जाती है तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो तालिबान को उस इलाके में और नॉर्दर्न अफगानिस्तान में तो चैन से घुसने नहीं देंगे। जी, आपने एक ब्लॉक की बात की जिसमें चाइना, रशिया, पाकिस्तान, ईरान और टर्की है। इन सब चारों पांचों देशों का किस तरीके से स्टेक हो सकता है अफगानिस्तान में, अलग अलग देशों को देखो? देखिए, चीन तो व्यापारी कंट्री है। चीन जिस तरह से वेस्ट ने वहां पर $2 ट्रिलियन इन्वेस्ट कर दिए थे अपने, चीन तो उसमें $1 बिलियन भी कोई डोनेशन तो देता नहीं है। चीन का देखिए आपने, उसने अफ्रीका में क्या किया है या बाकी देशों में क्या किया है। तो चीन तो क्या बोलता है कि भी मैं पैसा डालूंगा। अभी पाकिस्तान ने भी इनका पहले जो सीपैक था वो $45 बिलियन का प्लान था, बाद में वो धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता $60-62 बिलियन का हो गया। लेकिन पाकिस्तान का जो रिटर्न का ग्राफ है, वो रिटर्न का ग्राफ अभी उनके सामने गया नहीं चीन के, तो उन्होंने पैसा भेजना बंद कर दिया। तो वो चीन तो इस बात में बिल्कुल स्पष्टता से चलता है कि मैं व्यापार करने आपके पास आया हूँ। उसकी जो OBOR भी है, वन बेल्ट वन रोड, जिन देशों में गई है उसने कहा है अभी यहाँ पर मैंने $10 बिलियन लगाया है, आपके पास पैसे नहीं है, मैं आज इसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को इसकी जो है किसी ना किसी तरीके से रिटर्न चाहिए। तो चीन तो आज उसकी नज़र है चीन की अफगानिस्तान के मिनरल्स के ऊपर। लेकिन मिनरल्स आप इतना सोचो कि पाकिस्तान जो उसका मित्र देश है उसके अंदर वो सीपैक कंप्लीट नहीं कर पा रहा, क्योंकि BLA वालों ने उसकी दांतों की नींद हराम करके रखी है। बारह उन्होंने चीनी मार दिए खैबर पख्तूनख्वा में, 8 मार दिए उन्होंने बलूचिस्तान में अभी BLA वालों ने। तो अब चीन वहां पर उसको चाहिए कि एक शांतिपूर्ण वातावरण बन जाए ताकि मैं वहां पर खनिजों का दोहन करूं और उसके जो पैसे आए उससे मैं फिर वहां पर इंफ्रा अपना डेवलप करूं। इसीलिए चीन का प्रॉक्सी जो पाकिस्तान है, वो जिस दिन से तालिबान का वहां शासन आया वो शांति शांति की बात कर रहा है, क्योंकि वहां पर बिजनेस का एनवायरनमेंट बनाने के लिए शांति की इनको चीन को आवश्यकता है। फिर आ जाते रशिया पे। रशिया का एक एजेंडा बड़ा क्लियर है कि रशिया को एक नॉर्थ साउथ कॉरिडोर चाहिए। रशिया के बाद रशिया और अफगानिस्तान के बीच में उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ताजिकिस्तान है, और ये रशिया लैंडलॉक कंट्री हैं, छोटे कंट्री हैं, रशिया के इन्फ्लुएंस में रहते हैं हमेशा ये। तो उनके माध्यम से वो अफगानिस्तान में आए और फिर अफगानिस्तान के बाद में सीपैक के साथ में जुड़ जाए तो उसको ग्वादर बंदरगाह, कराची बंदरगाह में एक्सेस मिल जाती है। रशिया का ये एक बहुत बड़ा वो जो है ऑब्जेक्टिव है। उसके अलावा जो बड़े पैमाने पे, बड़े कैनवास पे जो जियो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसमें तो वो है ही है कि उसका इस समय USA के साथ में उसकी जो है शत्रुता तो है ही है, और ये ब्लॉक बना हुआ है चीन का, रशिया का, टर्की का, पाकिस्तान का। तो ये ब्लॉक का यहाँ पर वो चाहेंगे कि किसी प्रकार से USA जो है उसको उसके ऊपर इसके विपरीत असर पड़ते रहे तालिबान के, तो ऐसे काम वहां पर करते रहेंगे, ये उसका एक ऑब्जेक्टिव है ही है। पाकिस्तान का ऑब्जेक्टिव बड़ा क्लियर है कि पाकिस्तान जो है वो भूखा नंगा कंट्री है, इकोनॉमी उसकी शैम्बल्स में है, उसके पास में तो अभी अगर FATF वाले उसको ग्रे लिस्ट में उन्होंने रखा है और जिस प्रकार से वहां पर आतंकवाद पनपता है, कभी वो ब्लैक लिस्ट में आ गया और पाकिस्तान तो बैंकरप्ट हो जाएगा, पूरा खलास हो जाएगा। तो पाकिस्तान क्या कर रहा है आजकल, उसके पास में एक प्रकार की जो भूमिका हो गई है वो हो गई फैसिलिटेटर की। तो पाकिस्तान इनका फैसिलिटेटर बना हुआ है चीन का, रशिया का वहां पर। तो
इसके साथ साथ हमेशा से पाकिस्तान की एक, मैं आपको क्योंकि वो विषय निकला तो मैं आपको बताता हूं कि ये रोग स्टेट है पाकिस्तान। ये कभी सामने से आकर के, जैसे एक कोई एक जो राज्य होते हैं वो आकर के उनका एक जो बर्ताव है, उनका एक डॉक्ट्रिन है, वो सामने रखते हैं। पाकिस्तान कभी ऐसा, इसने पाकिस्तान ने एक जिम्मेवार स्टेट होने का रोल कभी अदा किया नहीं है। भारत के संदर्भ में क्या हुआ था, एक उदाहरण मैं देना चाहता हूँ कि 1947 में महाराजा हरि सिंह का स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट था इनके साथ में, तो भी वो तोड़ते हुए इन्होंने वहां पर अपनी सेना भेजी और उनके साथ कुछ कबायली इन्होंने मिला दी। तो उसके बाद में 1965 में भी वापिस से इन्होंने अपनी सेना को कबायलियों के रूप में भेजा, उसको ऑपरेशन जिब्राल्टर का नाम दिया कश्मीर में। फिर उसके बाद में इन्होंने कारगिल में मुजाहिदीन के नाम पर जो है इन्होंने अपनी नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री को भेजा 1999 में। और ये सारे घटनाक्रम एक चीज के ऊपर पाकिस्तान के जो उनके स्टेट पॉलिसी है वो इंगित करता है कि पाकिस्तान, अगर मान लीजिए कि जैसे कारगिल में ये बाद में बात स्पष्ट हो गई कि नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री वाले वहां पर आए थे, और लेकिन शुरू में तो ये कह रहा था भूमि जो तो मालूम नहीं है, मुजाहिदीन गए होंगे, तो ये जिम्मेवारी नहीं लेता। तो पाकिस्तान जब जिम्मेवारी किसी चीज की नहीं लेता तो सबसे ज्यादा खतरा इस वक्त दुनिया को ये है कि पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर आर्मामेंट्स है, कल को वो अगर आईएसआईएस खुरासान के हाथ में चला जाए या टीटीपी के हाथ में चला जाए या तालिबान के हाथ में चला जाए या अलकादा के हाथ में चला जाए, तो पाकिस्तान का इतिहास इस बात का साक्षी है कि इस किसी प्रकार की जिम्मेवारी नहीं लेता, रोग स्टेट है पाकिस्तान। और फिर उसके बाद में ये कल को वहां से उनके हाथ में चला जाए तो इसका ये तो बोलेंगे हमें तो पता नहीं है वो कहां कहां से लिया, किसने दिया, क्या हुआ। तो ये सबसे बड़ा खतरा इस समय दुनिया को इस बात से है कि पाकिस्तान कहीं, पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर आर्मामेंट्स है वो किसी ना किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में नहीं पड़ने चाहिए। तो ये सारे लोगों की समय, आने वाले समय में पता लगेगा क्या है, लेकिन इस वक्त तो जो घटनाक्रम चल रहा है उससे किसी प्रकार की शांति की अपेक्षा तो नहीं की जा सकती अफगानिस्तान में। जी जाहिर है पाकिस्तान जहां पे इन्वॉल्व है तो भारत के लिए तो ये बहुत अच्छी खबर नहीं है। तो ऐसे में भारत के लिए कुछ, अगर हम कहें कि कुछ दो चार बड़ी चुनौती ऐसी हो सकती हैं जिन पर ध्यान देने की जरूरत है, तो वो क्या हो सकती है, क्या क्या संभावना भारत की आगे दिखाई देती है? देखिए चुनौती तो है, और अभी मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे चीन से चुनौती आ रही थी, तो जो लाइक माइंडेड नेशंस होते हैं जिनके इंटरेस्ट कन्वर्ज करते हैं वो साथ में आते हैं। साउथ चाइना सी में चाइना ने अपना बहुत ज्यादा दबंगबाजी वो करके रखी थी, आज साउथ चाइना सी में वो फिलीपींस के भी जो समुद्री क्षेत्र है उसमें भी अपना अधिकार बताना चाहता है, वो मलेशिया के साथ का भी जो समुद्री क्षेत्र है उसका भी, उसके ऊपर भी अधिकार रखता है, वो वियतनाम के जो समुद्री क्षेत्र है उस पर भी अधिकार जताता है, वो जापान के साथ में सेनकाकू जो द्वीप समूह है उसके ऊपर उसका झगड़ा चल रहा है, तो यहाँ तक कि व्लादिवोस्तोक जो बंदरगाह है रशिया की उसके ऊपर भी वो अपना अधिकार जमाता है। ये बात अलग है कि इस वक्त उसके स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट जो है वो रशिया के साथ कन्वर्ज कर रहे हैं, लेकिन वो अधिकार उसके ऊपर रखता है। तो ये सारी बातों को देखते हुए, और हमें, हमारा भी उसने जो, जिसको हम कहते हैं कि ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, वो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स वहां से शुरू हुई ईस्ट चाइना, जो ये अपना साउथ चाइना सी से होते होते भारतीय अपना हिंद महासागर में आई, तो हमारे सारे इंटरेस्ट कन्वर्ज हुए तो क्वाड बना, उसमें ऑस्ट्रेलिया आया, उसमें जापान आया, उसमें भारत आया और यूएसए आया। इसी प्रकार से अफगानिस्तान में जो घटनाक्रम बन रहा है और जो आने वाले समय में उसकी भविष्यवाणी की जा रही है, तो जितने भी लाइक माइंडेड कंट्रीज हैं, जो लोकतांत्रिक कंट्रीज हैं, इनको सबको साथ में आना पड़ेगा। और फिर छोटे मोटी चीजें हैं आपस के, कई बार ट्रेड डिस्प्यूट्स रह जाते हैं, कभी एनवायरनमेंट के ऊपर हमारे किसी के साथ में मतभेद आ रहे हैं, कई 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 चीज़ों के ऊपर होता है कि कहीं पर कोई ब्यूटी स्ट्रक्चर ऐसा है कि किसी देश को हमारा पसंद नहीं है, हमें किसी का पसंद नहीं है। ये छोटी छोटी बातों को एक बार साइड में करके, दरकिनार करके, इस समय बहुत बड़ी चुनौती जो
आतंकवाद की है, ये हमें इससे जो है इससे अगर पार पाना है तो साथ में आना पड़ेगा। यूएसए जो है बड़ा देश है, ताकतवर देश है, सुपर पावर है, उसके साथ साथ पूरा यूरोप जो नेटो वाले हैं उनके साथ में है ही है, इसराइल है, भारत है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, ये सारे अगर देश मिल जाए तो मैं समझता हूँ कि इनका जो एजेंडा यहाँ पर जो जिसको अनहोली नेक्सस कहते हैं वो अफगानिस्तान में कामयाब नहीं हो पाएगा, ये बात है। दूसरी, एक भारत के संदर्भ में मैं बताता हूँ, साइकोलॉजिकल बात जो है बड़ी है। कश्मीर में आजकल एक बात बड़ी ग्रास रूट के ऊपर चल रही है, ये महबूबा मुफ्ती ने भी इस चीज का बयान दिया था कि नहीं अभी कुछ उसने तालिबान आ गया तो भारत में भी बीजेपी वालों सुधर जाओ, ये वो सब उसने अटरम पटरम बोला था। तो वहां पर नीचे की लेवल के ऊपर आप आपके पास में भी इसकी इंफॉर्मेशन आती होगी जेके नौ के ऊपर कि एक जिसको बैटल ऑफ बद्र सिंड्रोम जो था वो वहां पर वापस से बैटल ऑफ बद्र ये था कि जब पैगंबर के टाइम पर वो छोटे से जगह के ऊपर एक इन्होंने एम्बुश लगाई थी कुरैश जो व्यापारियों के ऊपर, तो 900 इनकी संख्या थी, वो 3000 थे और किन्हीं कारणों से वो जंग जीत गए। तो जीतने के बाद में वो तब से पिछले 1400 साल से बैटल ऑफ बद्र सिंड्रोम है कि जहां पर भी लोग इस्लाम का नाम लेकर के कोई मूवमेंट चलाते हैं तो उसमें ये जरूर कहते हैं कि हम जो है हमारे न्याय जो है उसकी जंग जीत लड़ रहे हैं और सारी ताकतें हमारे साथ में, खुदाई जो ताकतें हमारे साथ में रहेंगी। तो ये तालिबान जो वहां पर काबुज हुआ ये भी एक साइकोलॉजिकली इसको बैटल ऑफ बद्र सिंड्रोम का एक अगला कड़ी समझा जाना चाहिए कि एक इन्होंने एक ये मिथ तैयार करने की कोशिश की है कि देखो 10 साल तक सोवियत रशिया वहां पर कुछ नहीं कर पाया, 20 साल तक अमेरिका कुछ नहीं कर पाया, तो वही चीज जो है वो अभी हम कश्मीर में इनको करके देंगे, तो वो इनका भ्रम एक इनको तोड़ना पड़ेगा। अब कश्मीर और अफगानिस्तान का भी एक संबंध रहा है, 1339 में तक वहां पर मतलब भारत में अगर इस्लाम सबसे लेट किसी क्षेत्र में आया तो कश्मीर में आया है, तो 1339 तक तो वहां पर जो थे वो सारे हिंदू राजा ही चल रहे थे, कोटा रानी जो थी वो लास्ट वहां की रानी थी, तो इसने षड्यंत्र करके जो शाह मीर था ये स्वात, स्वात जो है ये पख्तून इलाकों में से एक इलाका है, स्वात से वहां आया था और राजा की एडमिनिस्ट्रेशन का एक हिस्सा था और षड्यंत्र करके वो वहां पर उसने वो कोटा रानी को मरवा करके वो राजा बन गया। तो 1339 से लेकर के 1561 तक ये शाहमीरी वहां पर चली, किसी ना किसी प्रकार से इनका ये इनका जो मूल था वो अफगानी था, और 1561 से लेकर 1750 तक जब मुगल शासन हुआ कश्मीर में तो उनके भी जो वहां पर गवर्नर थे वो पठानी थे, और फिर 1750 से लेकर के 1819 तक जब महाराजा रणजीत सिंह ने कश्मीर को वापस से जीता तो ये भी जो 60-70 साल थे ये अब्दालियों के वंशज वहां पर राज करते थे। तो कश्मीर 1349 से 1819 तक किसी ना किसी प्रकार से अफगानिस्तान के लोग यहाँ पर राज करते रहे। तो एक बात मैं आपको बताऊं, ये एक किस्सा है कि जब इन्होंने 1947 में अफरीदी ट्राइब वहां पर आया पाकिस्तानी सेना के साथ में तो किसी कश्मीरी ने उनका साथ नहीं दिया, मुसलमान होने के बावजूद भी, तो उन्होंने भारतीय सेना का साथ दिया कश्मीर में, और वो कारण क्या बताते हैं, कहते हैं कि हमें मालूम था कि जब 1819 से पहले यहाँ पर जो पठानों का राज था वो इतना अत्याचारी राज था कि हमने यहाँ से जाकर के लाहौर दरबार में गुहार लगाई थी महाराजा रणजीत सिंह के सामने, आओ हमको इस अत्याचारी राज से अलग करवाओ। तो इसके लिए वो बिल्कुल भी, जब जब इन्होंने वहां पर कबायलियों को भेजने की कोशिश की वो 1947 के 1965 में भी वो ऑपरेशन जिब्राल्टर फेल होने का कारण ही यही था कि इन्होंने वहां से कबायली वहां पर भेजे कश्मीर के अंदर और कश्मीरी जनता ने उनके ही मजहब के होने के बावजूद भी उनको पकड़वा दिया। तो यह एक बात कश्मीर के लोगों को उनको याद दिलाना होगा
कि तुम्हारा जो इतिहास, तुम्हारा भविष्य जो है वो इस देश के साथ में भी उठा मुठा है, बाहर जो है वो उनके यहाँ पर जो चल रहा है अफगानिस्तान में, वो अपना झंडा ऊंचा कर लेंगे परचम के, ठीक है जी हमने अमेरिकियों को यहाँ से भगा दिया, लेकिन आज उनके बच्चे जो हैं किस प्रकार से बॉम्ब ब्लास्ट के सामने उनकी जाने जा रही हैं, किस प्रकार से वहां पर विरोध जंग के भावे मंडरा रहे हैं, इस प्रकार की दुर्भाग्य से भारत में इस चीज का ना हो तो अपने उन नागरिकों को खासकर विशेष करके कश्मीर के जो हम मजहब होने के नाते से इसी बातों को सोचते हैं, तो उनको सही रास्ते पर डालना जो है वो हमारा फर्ज बन जाता है। उनके साथ में हम इस प्रकार की बातचीत करें और ये जो बकवास करने वाले पॉलिटिशियन हैं महबूबा जैसे, उनको भी कोशिश करें कि भाई आप लोगों के भले की बात करो, ऐसी गलत बयानी करने से लोगों को आप नुकसान कर पाओगे। जी सर, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया सर आपने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी हम इस सीरीज को जारी रखेंगे, फिर से कुछ नए मुद्दों के साथ अगले एक हफ्ते में अफगानिस्तान में जो कुछ होगा उस पर फिर से चर्चा करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर।